साथ सोनी और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और आज इसे ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लाया हूं। इस बिल के जो प्रावधान है उससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती थी, उन्हें वहां पर समानता का अधिकार नहीं मिला था। विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है और संविधान विरोधी बता रहा है। इस बिल के खिलाफ असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शिवम के साथ, जो असम में इस वक्त मौजूद है। शिवम, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है इस पर आपको? जैसे कि मैं अभी करीमगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने हूँ जी, और यहाँ का जो स्टूडेंट है वो अभी स्ट्राइक कर रहा है कैप को लेके। उन लोगों को कैप नहीं चाहिए और पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी एग्जाम भी चल रहा है। उन लोगों का अभी एग्जाम देने का ही टाइम है और वो लोग एग्जाम नहीं दे रहे, बोल रहे एग्जाम नहीं दूंगा। जितना समय कैप को बंद करने का उसने बोला वही। शिवम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं कॉलेज के बाहर, वो एग्जाम नहीं देना चाहते, कैब का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कैब को नहीं आने देना चाहते हैं वो, और इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद है, एक बार आपको रोकना चाहेंगे और देख लेते हैं कि छात्रों ने किस तरीके से विरोध दिखाया और क्या कुछ कहना है उनका। পরীক্ষা বর্জন করে বিজেপি সরকার বিরোধিতা করে এই কেবল বিরোধিতা করেছো। আজি যদি আমি নবপ্রজন্ম ওলাই নাহো রাস্তালে তেতিয়া কোন ওলাই আহিব? আজি আমি নবপ্রজন্ম ওলাই আহিলে আমি কেব যদি বাতিল করব লাগবে, আমি নবপ্রজন্ম ইয়াতকৈ তীব্র ভাষাৰে প্রতিবাদ করব। আৰু শিবম, আপসে জানা চাহেঙ্গে ইন্টারনেট সেবাই ভি ওয়াহাঁ পর বন্ধ হ্যায় অর ধারা 144 জো হ্যায় ও ভি লাগু কর দিয়া গয়া হ্যায়, তো ক্যা কুছ স্থিতি কল জাসি আজ ভি ওয়াহাঁ পর দিখ রহি হ্যায়? অভি তো ফিলহাল করিমগঞ্জ মে 144 জারি হ্যায়। तो कोई भी संगठन दल मतलब यहाँ पर आके स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है जी। अभी आ रहा है पुलिस, उन लोगों को अरेस्ट कर रहा है, नहीं तो उनको उन लोगों को समय दे रहा है 2 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाओ, ऐसा चल रहा है फिलहाल। और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सामने अभी पुलिस आए है, हमारे करीमगंज के ओसी उत्पल बोरा आके उन लोगों को समझाया, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हम एग्जाम नहीं देंगे जितना समय तक कैब को बंद नहीं किया जाए। चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार असम में विरोध देखा जा रहा है, छात्रों का कहना है कि वो कैब नहीं आने देना चाहते, इसका विरोध लगातार वो कर रहे हैं। ताजा और अपडेटेड खबरें जानने के लिए देखते रहिए लाइव कोलकाता।